गाय का पेशाब पीना क्यों हिंदुइज्म में अगर है इनकरेज किया गया है तो क्यों किया गया है? हिंदुइज्म में सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व किए हैं। अगर आपको लगता है कि है एक वन गॉड और सारे गॉड्स उसी से एनर्जी ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट उसी गॉड को आप प्रे करें? इज इट सेफ टू से दैट हिंदुइज्म इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन और इज इट अ पॉलीथिस्ट रिलीजन? प्यारे दोस्तों, हम डॉक्टर खिमजी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया हिंदुइज्म के बारे में क्वेश्चंस पूछने के लिए। ये सबसे पहले बताएं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है हिंदुइज्म में? सपोज अगर मैं किसी जंगल से उठ के आया हूँ और मैं रिलीजन्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, व्हाट डज हिंदुइज्म टेल मी अबाउट गॉड? हिंदुइज्म बेसिकली इज ऑन द बिलीफ ऑफ कर्म एंड रीइंकार्नेशन। सो वी हैव द बिलीफ दैट गॉड कम्स फ्रॉम व्हेयरएवर ही कम्स फ्रॉम, राइट? धरती पे आते हैं और अलग अलग जन्म लेते हैं, समय समय का, अलग अलग समय समय का, और जब जरूर पड़ती है तब आते हैं, जन्म लेते हैं, राइट? सो ही इनकार्नेट, सो शी इनकार्नेट एज देवी, एज गॉडेस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। सो दे विल कम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिवोटीज। सो मेनली दे विल कम एंड इनकार्नेट देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द डिवोटीज एंड पर्टिकुलरली इफ दे are facing distress and trouble. So this is something that's been prescribed in the various scriptures, and particularly in the Bhagavad Gita, where Lord Krishna says that I will manifest myself whenever my devotees need me to serve them, help them, support them. Before the incarnation, Doctor, jab God aate nahi hai dharti pe, usse pehle God ek hi hai ya multiple God? Dekhiye, God to ek hi hai, right? Aur usme अलग अलग विभाग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक है लेकिन मिनिस्टर्स अलग है, ऐसे देखना है। और मिनिस्टर को भी थोड़ा थोड़ा पावर है। गॉड इज ऑलवेज ओमनीप्रेजेंट वन, बट दे टेक फॉर्म और शेप अकॉर्डिंग टू द टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द डिवोटीज ड्यूरिंग युगो युग से ऐसे चलता है। फाइनेंस और लक का गॉड है, सरस्वती माता जी है, वो नॉलेज का देवी है, ऐसे अलग अलग विभाग होता है। सूर्य और चंद्र का गॉड है, राइट? वायु का गॉड है, पानी का गॉड है, राइट? वो सब अलग अलग विभाग संभालते हैं। इज इट सेफ टू से दैट हिंदुइज्म इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन और इज इट अ पॉलीथिस्ट रिलीजन? इट इवॉल्व्ड फ्रॉम वन गॉड, राइट? बिकॉज यू कैन हैव मल्टीपल, राइट? सो वी प्रे टू द सन गॉड एज सूर्य देव, राइट? वी प्रे समटाइम्स टू Vayu Devta, which is the god of wind. We pray to the Agni Devta when we do Havan around the fire. They are all effectively see them as performing the job, if you like, of that one final energy. But they all distributed energy for that purpose only. अगर आपको लगता है कि है एक one god और सारे gods उसी से energy ले रहे हैं, तो why not just उसी गॉड को आप प्रे करें? This way the prime minister can't be everywhere doing everything, right? He has to give the education minister, the transport minister, the international relations minister, वो सब अलग 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 विभाग होते हैं। Ultimately तो वो एक ही है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि दो हिंदू जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे की ग्रीट कैसे करते हैं? मैंने तीन सुने हैं वैसे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, तो एक्चुअल में है क्या? तो वो सभी सही है। माता जी है देवी, उसको जो डिवोटीज है तो वो जय अम्बे बोलते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं, राम राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, नमस्ते, दे ऑल सिमिलर सेम। आई पर्सनली इफ समबडी सेज जय श्री कृष्ण आई विल एक्सेप्ट इट, इफ समबडी सेज राम राम आई विल एक्सेप्ट इट, समबडी सेज जय स्वामीनारायण विच इज फॉलोवरशिप आई बिलोंग टू आई विल से इट, समबडी सेज जय अम्बे विच इज द देवी गॉडेस I will accept that. हिंदुइज्म में superstitions बहुत ज्यादा मैंने देखी हैं, observe की हैं। अगर कोई शादी करनी है तो कुंडली मिलाते हैं, साउथ फेस, नॉर्थ फेस, और ये इसका concept बहुत ज्यादा है। तो superstitions से fearless life नहीं होती, fearing life ज्यादा होती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, व्हाटएवर, और कुंडली मिलानी है, वो साइंटिफिक है। That's when the sun comes up first, for example, and that's when the energy connects. As far as Kundli, you know, you check the dates and the timing. That's when the planets connect with each other. So it's not superstition. Right. It's considered, people see it that way in this modern era. Right. But it's actually science behind all of this. Right. Right. And it's a proven science. ये डॉक्टर थोड़ा सा ब्रूटल क्वेश्चन होगा और मैं ओपनली पूछूंगा आपसे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग सोचते हैं, मूवीज में देखते हैं। काओ वर्शिपिंग जो है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब गाय का पेशाब पीना
क्यों हिंदुइज्म में अगर है इनकरेज्ड किया गया है तो क्यों किया गया है? क्योंकि यूरिन तो मतलब इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग, मतलब एक कॉमन आदमी के लिए एक प्लेजेंट चीज़ नहीं है, तो हिंदू का क्या इसमें टेक है? सो सी द काउ इज वेरी पॉयस फॉर हिंदूज. All the devatas reside within the cow, right? So it's considered to be quite pious in that regard. First point. Second point, apart from the religious side, the cow urine, for example, is very beneficial from a medication perspective. So if you look at all the benefits that have been derived, and there are enough research to determine this, usme first and foremost there's a science behind this. Cow urine and the drinking of cow urine, it has so many benefits to the body, but there is a medical benefit that's been prescribed through thousands of years, not the last 10 years. So that's the first thing. Second thing is a cow is considered to be the mother. So if you look at Lord Krishna's life, he found himself, he was around cows a lot because he found them to be pious, right? And reflected all the different devatas that Hinduism believes in. So there's a scientific as well as a spiritual connection to the cow. Religious harmony को बढ़ाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए कोई एक मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें? बेसिकली रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. एवरी रिलीजन हैज बीन बोर्न आउट ऑफ समवेयर एंड सम कॉन्सेप्ट एंड सम फिलोसफी. एक्सेप्ट इट, लर्न टू लिव विद इट. योर रिलीजन इज नॉट बेटर देन एनीबॉडी एल्स. एवरीबॉडी हैज देयर ओन पाथ एंड देयर ओन मैकेनिज्म एंड देयर ओन वे टू कनेक्ट टू गॉड. हिंदूज प्रीच करते हैं अपना रिलीजन के नहीं प्रीच करते? क्योंकि मैंने क्रिश्चियंस को तो देखा है, मुस्लिम्स तो ऑब्वियसली करते हैं, हिंदूज क्या प्रीचिंग करते हैं? Hindus may preach within the Hindus will do, but there is no real concept of going out and converting. Hindus don't grow up thinking that way. If you want to come and accept it and you like it, then please come on. That is your choice. Thank you so much, Doctor. आपने हमें time दिया. Thank you very much. Thank you.